आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइस यदि आप भी अपने मोबाइल में स्प्रिंकल केक ऐप से यदि गाइस आप भी केक ऑर्डर करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो गाइस आप ऑर्डर कैसे कर सकती है। तो गाइस जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना, जिससे कि गाइस आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस आपको अपने मोबाइल में स्प्रिंकल केक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करते गाइस हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। ऊपर इस साइड ही आपको यहाँ पर केक्स की सभी जो वैरायटीज है वो यहाँ पर शो करेगी। तो इनमें से गाइस आप कोई भी केक्स को यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। चॉकलेट केक है, रेड वेलवेट केक है, डिजाइनर केक है, या फिर गाइस हॉट शेप्ड केक है। तो यहाँ से गाइस कोई भी केक्स को यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे गाइस मैं यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट केक ऑर्डर करना चाहता हूँ तो यहाँ पर गाइस मैं सर्च बार में आ जाता हूँ और सर्च बार में सर्च करता हूँ ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो जैसे गाइस आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो गाइस आपके सामने ब्लैक फॉरेस्ट केक्स के सभी जो सिंबल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर किस टाइप पे आप यहाँ पर ऑर्डर करना चाहते हैं, हार्ट सिंबल में ऑर्डर करना चाहे हार्ट सिंबल में कर सकते हैं, राउंड्स में करना चाहते राउंड्स में कर सकते हैं, या फिर गाइस आप तितली के टाइप से करना चाहते उस टाइप से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं हार्ट सिंबल वाले इस फॉरेस्ट केक को ऑर्डर करना चाहता हूँ तो यहाँ पर गाइस मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे गाइस मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे सामने इसकी पूरी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए गाइस अलग अलग रेट होता है, हाफ के जी का अलग रेट होता है, यहाँ पर 1 kg का अलग रेट होता है, और गाइस 2 kg का करेंगे तो भी गाइस उसका अलग रेट होता है। इसके अलावा गाइस नीचे के साइड आता है मेक इट एगलेस। तो यदि गाइस आप एगलेस वाला यहाँ पर केक मंगाना चाहते हैं तो इसके लिए गाइस आपको 50 rupees एक्स्ट्रा देना होगा। और इसके अलावा गाइस आपको यहाँ पर लिखा हुआ है मेक इन लेस शुगर। तो यहाँ पर गाइस विदाउट शुगर यदि गाइस आपसे ऑर्डर करना चाहते हो यहाँ पर 100 rupees एक्स्ट्रा लगेगा। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए तो गाइस मैं इसे मेक इट एगलेस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से गाइस मैं इसे एगलेस ही मंगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर गाइस इस पर टिक कर देता हूँ। इस पर टिक करने के बाद नीचे की साइड आना है और यहाँ पर गाइस आपको अपना जो पिन कोड नंबर है उसे यहाँ पर एंटर कर लेना होता है। तो यहाँ पर गाइस मैं अपने जो भी अपने एरिया का जो पिन कोड नंबर है उसे यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद आपको नीचे की साइड आना है और यहाँ पर गाइस आपको अपना डिलीवरी डेट और टाइम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होता है। तो यहाँ पर गाइस मैं इस पर क्लिक करता हूँ और गाइस मैं अपना जो डिलीवरी डेट और टाइम यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस टाइम में देखिए 3-4 तरह के ऑप्शन शो कर रहे हैं, फ्री डिलीवरी, नाइट डिलीवरी, फिक्स टाइम डिलीवरी एंड मॉर्निंग डिलीवरी। तो यहाँ पर गाइस मैं फ्री डिलीवरी करवाना चाहता हूँ, फ्री डिलीवरी पर क्लिक करता हूँ और फ्री डिलीवरी का टाइमिंग जो है वो यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर गाइस मैं यहाँ पर 11 AM से 3 PM के बीच में यहाँ पर ऑर्डर करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इस पर टिक करता हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने अपना केक टाइम जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और डिलीवरी टाइम। इसके अलावा गाइस यदि गाइस आप केक पर कुछ भी लिखवाना चाहते हैं तो मैसेज ऑन केक पर यहाँ पर क्लिक करके गाइस आप किसी का भी नाम यहाँ पर लिखवाना चाहते तो उसका नाम भी लिखवा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं केक पर कुछ भी नाम नहीं लिखवाना चाहता, इसे ऐसे ही रख देता हूँ। ऐसे ही रखने के बाद आपको यहाँ पर बाय नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पर बाय नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसके साथ यहाँ पर देखिए गाइस कुछ ऑप्शंस भी यहाँ पर शो कर रहे हैं। यदि गाइस आप डेयरी मिल्क चॉकलेट से यहाँ पर ऑर्डर करना चाहते हैं इसके साथ तो वो भी यहाँ पर शो करेगी, या फिर गाइस यहाँ पर कैंडल से आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर शो करेगा। इसके अलावा गाइस आप यहाँ पर टेडी ऑर्डर करना चाहते हैं तो भी वो इसके साथ आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं इसे यहाँ पर और कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं करना चाहता तो यहाँ पर गाइस मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। फिर गाइस आपको यहाँ पर कंटिन्यू विदाउट के वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे गाइस आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एड्रेस ऐड करने को बोलेगा। तो यहाँ पर गाइस आपको अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप कर लेना होता है। यहाँ पर देखिए गाइस मैंने अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गाइस आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गाइस आपके सामने नेक्स्ट पेज जो भी ओपन होगा उसमें गाइस आपको प्लेस ऑर्डर वाला ऑप्शन शो करेगा। तो यहाँ पर गाइस आपको प्लेस ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर प्लेस ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो गाइस आपके सामने पेमेंट के जो सभी ऑप्शन है वो आपके सामने शो करने लग जाएंगे। तो यहाँ से गाइस आप जैसे गाइस अपना पेमेंट करेंगे तो गाइस आपका ऑर्डर है वो यहाँ पर कन्फर्मली हो जाएगा। जैसे गाइस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से या फिर गाइस वॉलेट से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे गाइस आप अपना पेमेंट फिलअप करेंगे तो गाइस आपका जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो चला हो और वीडियो चला हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइस, ताकि गाइस आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहेगी। थैंक यू गाइस।